हाय फ्रेंड्स, सॉरी लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा आज आपको अलंकार कंप्लीट करवा दूंगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको शब्द अलंकार भी बता दिया है, अर्थालंकार भी बताया है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स अभी बचे हुए थे जिसको मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आरओ स्पेशल करके दूंगी, तो उसमें जो उसका मैटर है वो स्टार्ट करूँगी। तो आज जो बचा हुआ है, यानी कि मैंने बताया था कि अर्थालंकार के लगभग में 6 प्रकार हैं, जैसे कि आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह और भ्रांतिमान। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा को तो मैंने बता दिया है, आज के वीडियो में हम अतिशयोक्ति, संदेह और भ्रांतिमान के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार की क्या पहचान होती है और उसके इसके कुछ उदाहरण के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम तो उदाहरण ही आता है, कभी कभी परिभाषा पूछ देता है, लेकिन ज़्यादातर उदाहरण ही आता है। आप उदाहरण से कन्फ्यूज ना हो कि ये संदेह है या भ्रांतिमान है, क्या ये संदेह ही है या भ्रांतिमान ही है, तो हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं और पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि संदेह और अतिशयोक्ति में या भ्रांतिमान में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए देख लेते हैं डिटेल में आपका अतिशयोक्ति अलंकार की क्या पहचान होती है और इसके कुछ उदाहरण को हम देख लेते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार की क्या पहचान होती है? जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा ये है कि जहाँ किसी भी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, या यूं कह लें कि जहाँ पर उपमेय उपमान को पूरी तरीके से ग्रस लेता है या खत्म कर देता है वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, एकदम आसान सी बात है कि जहाँ पर बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, एकदम नामुमकिन हो, ऐसा कवि ने कल्पना कर दिया कि ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण, अब जीवन की है कपि न कोय, कन गुरिया की मुंदरी कंगना होय। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। ये जो कविता है आपकी, इसमें आपके राइटर ने कहा, पोएम पोएट ने कहा है कि अब जीवन की है कपि न कोई, यानी कि अब जीवन की बिल्कुल भी जो कहीं कहा नहीं जा सकता कि अब जीवन बिल्कुल भी बचेगा। क्यों? क्योंकि कन गुरिया की मुंदरी, यानी कि कन गुरिया की मुंदरी, जो उंगली में पहनने वाली मुंदरी होती है, यानी कि अंगूठी होती है, कंगना होए, अब वो कंगना हो गया, यानी कि कंगन के समान हो गया है। यानी कि क्या ऐसा हो सकता है, कल्पना कीजिए आप, कि जो इतनी पतली उंगली में जो अंगूठी जाती है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो पूरी कलाई में चला जाए? बिल्कुल एकदम कवि की कल्पना है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि कोई इतना पतला नहीं हो सकता कि रिंग जो उंगली में पहने जाती है वो कभी कलाई में आ सके। तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, यानी कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया है कवि ने, या कवि ने इसको। दूसरे में देखते हैं, लेवत मुख में घास मृग मोर, तजित नृत्य जात, आंसू गिरियत जर लता, पीरे पीरे पाथ। यानी कि इस लाइन का अर्थ है कि लेवत मुख में घास मोर, वैसे अगर ये बात करें तो ये हमारी कालिदास की ये पोयम है, इसमें कवि ने कहा है कि लेवत मुख में घास, ये शकुंतला के विदाई के वक्त का उस समय का वर्णन है इसमें, कि क्या हुआ होता है उनकी विदाई होने पर, क्या क्या कैसा पर्यावरण जो प्रकृति हो जाते हैं वो किस तरीके से दुख का दिखा रही है कि हम दुखी हैं आपके जाने से। तो लेवत मुख में घास मृग, यानी कि जो ये मृग है या हिरण जो है वो लेवत मुख में घास, वो जो घास खा रहे हैं उसको निकाल दे रहे हैं, यानी कि घास खाना बंद कर दे रहे हैं। मोर तजत नृत्य जात, यानी कि जो मोर पक्षी है जो नाच रहे होते हैं, जिनको नाचना प्रिय होता है, वो अपना नाच जो है त्याग दे रहे हैं। तजत नृत्य जात, यानी कि नाच को भी त्याग दे रहे हैं। आंसू गिरियत जर लता, और जो आंसू हैं वो जो लताएं हैं या जो
पौधे हैं वो लताएं, जरलता पीरे पीरे पात, मतलब अपने पत्तों को गिरा करके ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रो रही हो, यानी कि पूरी तरीके से प्राकृतिक छटा की बात की गई। प्रकृति किस तरीके से दुख को, वैसे तो आम बात है कि कोई किसी की विदाई होती है या कोई हमसे बिछड़ता है तो हम रोते हैं, लेकिन इस समय कवि ने बिल्कुल बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है कि शकुंतला की जब विदाई हुई तो उनको जाते देख करके जो प्रकृति है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। वो दुख कैसे दिखा रही है, तो जो हिरन है वो अपना घास खाना छोड़ दिए हैं, बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, और जो मोर हैं मोर भी अपना नाचना छोड़ दिए हैं। प्लस ये जो लताएं हैं, लताएं अपने पत्तों को गिरा करके आंसू बहा रही हैं, या आंसू का प्रदर्शन कर रही हैं, या ऐसा लग रहा है कि वो आंसू बहा रही हैं। तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि बिल्कुल ये एक प्रकृति का दुखी होना, आदमी का दुखी होना तो समझ में आता है, लेकिन प्रकृति का दुखी होना ये कवि की ही बस की बात है कि उन्होंने उनको उसको लाइन में बंद कर दिया है, पंक्तिबद्ध कर दिया है, यानी कि बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट में, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इस लाइन, ये जो लाइन है ये आपकी जो सुदामा है और श्री कृष्ण पर बताई गई है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी कि जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने उनके द्वारिकापुरी में पहुँचे तो श्री कृष्ण उनके स्वागत के लिए गए और अपनी राजगद्दी पर बैठा है और पानी परात को हाथ छुओ। और हमारे यहाँ की जो परंपरा है, भारतीय परंपरा की, पहले की ये परंपरा थी, प्राचीन परंपरा, कि कोई भी आता था तो उसका पांव धुला जाता था। तो इसी तरीके से उनके स्वागत के लिए, सुदामा जी के स्वागत के लिए जो वो हैं श्री कृष्ण हैं, वो परात वाला पानी तो मंगाए हैं, लेकिन पानी परात को हाथ छुन, उन्होंने परात वाले पानी को, उस पात्र वाले पानी को हाथ से छुआ ही नहीं है, और नयनन के जल से पग धोए, इतना रोए, इतना रोए कि सुदामा जी का पैर पूरी तरीके से धुला गया। तो ये आपका, ये भी आपका ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कोई रोएगा नॉर्मल टाइम, कोई इतना तो आंसू, कोई बहुत ज़्यादा रोएगा तो पूरी तरीके से तो पैर धुला नहीं जा सकता। ये मानते हैं थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है कि पानी से पूरी तरीके से भीग जाए, लेकिन इतना तो हो नहीं सकता कि पूरी तरीके से एकदम जैसे पानी से हम लगा लगा के ऐसे धुलते हैं या हाथ पैर धुलते हैं, इस तरीके से तो धुला नहीं जा सकता। यानी कि कवि की कल्पना है कि ऐसा हो गया, तो इसलिए ये भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में बताया जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाया गया तो क्या उनकी पूंछ में आग नहीं लग पाई? ऐसा कहा गया है कि पूंछ में लग न पाई आग, उनकी पूंछ में आग नहीं लग पाई, और लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उनकी पूंछ में तो आग लग ही नहीं पाई, लेकिन पूरी जो लंका थी, लंका सोने की जो लंका थी, वो पूरी तरीके से जल गई और उसको छोड़ करके निशाचर भाग गए। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि पूंछ में आग लगी, उसमें पूरी तरीके से पूंछ जल न पाई हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, जाहिर सी बात है, किसी भी जो मेन वो जलाने का चीज़ जो, वो तो जलेगा ही। तो इसलिए ये भी आपका ये अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि पूरा जो जलाने के लिए, तो जाहिर सी बात है उतनी तो शक्ति होनी चाहिए, या उतना वो उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी, क्षमता रहेगी, तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर पूरा लंका नगरी को जलाने की क्षमता हो, क्या उसके पूछ में वो जला नहीं होगा? बिल्कुल जला होगा। तो इसलिए भी ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें आपकी जो कवि ने कहा है कि राणा ने सोचा इस पार, यानी कि राणा जो महाराणा प्रताप थे अभी सोचे ही इस पार, सोच रहे हैं नदी उस पार, तब तक चेतक पहुंच जा रहा है। यानी कि ये भी आपके अतिशयोक्ति का उदाहरण है, यानी कि ये जो जानवर है आपका चेतक, इतना समझदार था कि अभी राणा सोचे नहीं तब तक वो कर गया। तो ये भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है, क्योंकि सामान्य लाइफ में तो इंसान को कहो कि आपको ये काम करना है तो करता है, भला इतना जानवर इतना तेज कैसे हो सकता है कि अभी हमने सोचा नहीं तब तक वो कर गया। तो
ये है आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार में हमने जाना कि अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का पूरी तरीके से बढ़ा चढ़ा करके जितना हो सके उतना वर्णन किया जाता है, जिसको मैंने कहा कि ऐसा लगे कि उपमेय को उपमान ने पूरी तरीके से ग्रास लिया हो, तो ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण हो। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बढ़ा चढ़ा करके जहाँ पे वर्णन किया जाए वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण होता है। सभी उदाहरण में आपने देखा कि ये कवि की कल्पना मात्र ऐसी है, हर सभी उदाहरण में कंगोरिया की मुंदरी यानी कि अंगूठी जो है वो कलाई में आ गई, या इतनी कोई पतला हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है कि प्रकृति इतना रो रही है, प्रकृति इतना दुखी है किसी के जाने से कि वो अपने जो प्रिय चीज़ है उसको भी छोड़ दे रही है। तीसरे में हम लोगों ने देखा कि इतना कोई रोया, इतना रोया कि पूरी तरीके से पैर धुला गया। चौथे में देखा कि हनुमान जी की पूँछ तो लग जली ही नहीं, आग लगाई गई पर हनुमान जी की पूँछ नहीं जली, और पूरी लंका नगरी, जो बड़ी सी लंका थी, नगर, छोटा सा क्षेत्र भी नहीं, नगर था, वो जल गया। दूसरी चीज़, और नेक्स्ट वाले लास्ट वाले उदाहरण में कि अभी किसी ने सोचा ही नहीं तब तक, किसी जानवर ने, अभी इंसान ने, राणा ने सोचा ही नहीं तब तक उस घोड़े ने उस नदी को पार कर दिया है, इस पार अभी सोच रहे हैं तब तक वो उस पार हो गया। तो ये आपका अतिशयोक्ति उदाहरण था। नेक्स्ट आपका जो अलंकार है वो आपका संदेह अलंकार। संदेह यानी कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि संदेह की कंडीशन में आ जाना, या किसी भी, ये कोई भी चीज़ है, मैं हूँ या कोई और है, जैसे कि आप कहना कि अरे ये हिंदी वाली मैडम ही है कि कोई और है ना, क्योंकि आज तो मैंने साड़ी वाड़ी पहना नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा संदेह की कंडीशन में, संदेह की स्थिति। तो जैसे कि ये आपका संदेह अलंकार की क्या परिभाषा होती है, आइए देख लेते हैं। संदेह अलंकार की पहचान ये है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कारपूर्ण वर्णन हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। यानी कि जहाँ किसी वस्तु को, किसी भी वस्तु को देख करके उसी के समान तत्सदृश, यानी कि तत्सदृश मतलब उसी के समान अन्य वस्तु के होने का संशय यानी कि संदेह उत्पन्न हो जाए वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है। या यूं कह सकते हैं इसके थोड़े शब्दों में, किसी, जब किसी एक में अनेक रूप दिखाई देते हैं तो वहाँ आपका संदेह अलंकार होता है। यानी कि जब किसी वस्तु को देख करके संदेह की स्थिति आ जाए या संशय की स्थिति आ जाए तो वहाँ पर, या किसी एक को देख करके ऐसा लगे कि नहीं ये क्या है, कि जैसे कि चंद्रमा ही है या कुछ और है, प्रकाश इतना, मान लीजिए कोई भी प्रकाश है, बड़ा सा बल्ब हो गया, वो बल्ब इतना ज़्यादा प्रकाश दे रहा हो कि देख करके लगे कि अरे ये तो चंद्रमा, चंद्रमा ही के समान हो गया है क्या, ये चंद्रमा है क्या ये, या कोई बल्ब है, तो ये कंडीशन आपकी हो जाएगी संदेह की स्थिति। उदाहरण देख लेते हैं। तो हमने जाना कि संदेह की परिभाषा यही है, या संदेह अलंकार की पहचान यही है कि जहाँ किसी वस्तु को देखकर उसी के समान दूसरी वस्तु होने का संशय उत्पन्न हो जाए वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही कि सारी है, यहाँ पे संशय की स्थिति आ गई, किसमें, सारी और नारी में। यह आपका उस समय का वर्णन है, पांडवों जी जब चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, उस टाइम का है। तो दुशासन वो साड़ी को खींच रहे हैं, तो दुर्योधन ने आदेश दिया था कि आप साड़ी उनको निर्वस्त्र कर दीजिए, तो उस टाइम दुशासन खींच रहे हैं, तो दुर्योधन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अरे इतना साड़ी खींच दिया, ये साड़ी है कि नारी है, यानी कि साड़ी, साड़ी बीच नारी है कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है, यानी कि यहाँ पर साड़ी और नारी के बीच संशय हो गया कि क्या चीज है, साड़ी है किनारी है, इसलिए यहाँ पर आपका संदेह अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, यह मुख है नीले अंबर में, यह मुख है नीले अंबर में, या चंद्र विमल है
अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल है। यहाँ पर भी एकदम संदेह की स्थिति आई है कि क्या है ये। मुख है नीले अंबर में, ऐसा है कि ये कोई मुख है या कोई चेहरा है इस जो नीले आसमान में दिखाई दे रहा है, या यह चंद्र विमल है, या जो पानी में है वो चंद्रमा है, या ये मुख है नीले अंबर में या चंद्रमा है पानी में, या अंधेरे में दीप जला, या कहीं ऐसा है कि अंधेरे में कोई दीप जल गया हो, या सर में खिला कमल है, या तालाब में खिला हुआ कमल है। यानी कि यहाँ पर भी संदेह की कंडीशन है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। मुख है नीले अंबर में, आसमान में, नीले आसमान में मुख दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा पानी में दिखाई दे रहा है, या अंधेरे में दीप जला हुआ है ये, या तालाब में खिला, तालाब या जलाशय में खिला हुआ कमल है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल संदेह की स्थिति है, बिल्कुल संदेह में डाल दिया गया है। पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ है वास्तविकता का, यानी कि एक सिक्के समान दूसरी वस्तु दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर संशय की स्थिति है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लिलिवे को काल रसना पसारी है। प्रस्तुत उदाहरण में इस लाइन में आप देख रहे हैं, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यानी कि जब लंका में पूरी तरीके से आग लग गई थी, पूरी आग की लपटें बड़ी बड़ी जल रही थी, तो क्या लग रहा था? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, यानी कि ऊंची ऊंची जो आग की लपटें हैं उनको देख के ऐसा लग रहा था मानो लंका लिलिवे को काल रसना पसारी है, मानो काल ने अपनी जीभ को फैला दिया हो लंका को निगलने के लिए। यानी कि यहाँ पर भी आपका संदेह अलंकार है, संदेह हो गया है कि ये आग ही है, आग की लपटें ही है, या काल है जिसने कि पूरी तरीके से लंका नगरी को खत्म करने के लिए अपने मुंह को या रसना को यानी कि जीभ को फैला दिया हो, जिस तरीके से काल घटकने के लिए किसी को घटकने के लिए तैयार हो जाता है, उसी तरीके से समय जिसको बोलते हैं काल या समय, जैसे कि समय के साथ हर एक अंत होता है, उसी तरीके से तो वही है, ऐसा लग रहा है जो आग की लपटें हैं पूरी तरीके से लंका नगरी को खत्म करने के लिए तैयार थी, क्योंकि बहुत तेज ऊंची ऊंची लपटें थीं, उसी तरीके से जैसे लग रहा है कि मानो काल ने यानी कि समय ने वो लंका को, या काल रसना पसारी हो, काल ने अपनी जीभ को फैला दिया हो, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपका संदेह अलंकार है। किन किन चीज़ों में संदेह हुआ है? आग और काल में। ये आग ही है जो जल रही है ऊंची ऊंची लपटें इतनी भयानक, या काल ने रसना फैला लिया है बिल्कुल निगलने के लिए। नेक्स्ट उदाहरण है, कौन बताए वीर कहूँ या धीर, धीर कहूँ पितामह को। यहाँ पर भी है संदेह की कंडीशन आ गई है कि क्या करूँ, इनको जो पितामह है उनको क्या कहूँ, वीर कहूँ या धीर कहूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो महाभारत का युद्ध था, महाभारत के युद्ध में उन्होंने जो पितामह थे भीष्म पितामह, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने समझाने की तो पूरी कोशिश की, क्योंकि वो बहुत वीर योद्धा थे जानते हैं। दूसरी चीज़ वो जिस धीरता से काम लिए, क्योंकि उनको धैर्य से, क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और उन्होंने वचन दिया भी था कि अपने वंशजों को कि हम ख़त्म नहीं होने देंगे, इस पीढ़ी को आगे ले जाएंगे, या ये आपका जो राज्य है ख़त्म नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे, कवि जो है लेखक कन्फ्यूजन में कि क्या करूँ, इनको वीर कहूँ कि धीर कहूँ, तो इसलिए यहाँ पर भी आपका संदेह अलंकार है। यानी कि संदेह अलंकार में हमने जाना कि जहाँ पर किसी वस्तु को देखकर उसी के सदृश अगर कोई दूसरी वस्तु दिखाई दे जाए, तो उसमें जो है संदेह या संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ये क्या चीज़ है या क्या कहूँ इसको, तो वहाँ पर आपका संदेह अलंकार होता है। जैसे कि साड़ी और नारी में, नारी है कि साड़ी है, दूसरी चीज़ ने इसमें कि मुख है कि ये
चंद्रमा है, मुख है कि चंद्रमा है, कि अंधेरे में कोई दीप जला है या तालाब में खिला कमल है, क्या चीज़ है ये? तो ये आपका संदेह अलंकार है। उसी तरीके से आपका यहाँ पर आग की लपटें इतनी भयानक हैं कि उसको देख करके ऐसा लग रहा है, या संदेह की स्थिति आ गई ये कि कहीं ये काल तो नहीं है ना, आग की लपटें ही हैं कि कोई काल है जो पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए लंका नगरी को, लंका को निकलने के लिए तैयार हो गया हो। तो अगली कंडीशन में अगला ये है जो आपका, इसमें ये है कि कौन बताए, यानी कि पितामह जो हैं वो, उनको क्या कहूँ, धीर कहूँ कि वीर कहूँ, क्योंकि वो तो सबका परिचय दिए उस महाभारत के युद्ध में, तो इसलिए यहाँ पर भी संदेह की स्थिति आ गई है, इसलिए यहाँ पर आपका संदेह अलंकार है। नेक्स्ट जो आपका है वो है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार यानी कि भ्रांतिमान अलंकार की आपकी क्या पहचान होती है, तो इसको भी देख लेते हैं। भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को देखने के बाद उसके यथार्थ स्थिति के विषय में भ्रम हो जाए, वहाँ आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। यानी कि इसमें ये है आपका कि जब किसी वस्तु को देखकर उसके यथार्थ स्थिति यानी कि उसके सत्य बात के विषय में भ्रम हो जाए, तो वहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। लेकिन इसमें क्या था, आपका संदेह अलंकार में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं, इसमें आपको एक ही वस्तु को देख करके भ्रम हुआ है, या जैसे कि किसी वस्तु को देखने के बाद यथार्थ क्या चीज़ है सत्य का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो वस्तुओं की बात कर दी गई है कि एक का दूसरे के साथ ये है या ये है, क्या है ये बात कर दी गई। लेकिन यहाँ पर है जो वस्तु को देखने के बाद उसके यथार्थ यानी कि किसी एक ही वस्तु के यथार्थ के विषय का या सत्य विषय का ज्ञान नहीं हो पा रहा है कि क्या चीज़ है ये, तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है। और संदेह में कई वस्तुएं थी, यानी कि एक जब किसी एक में जब अनेक रूप दिखाई देते हैं, अलग अलग रूप दिखाई दिए, एक रूप व्यक्ति तो एक ही था, एक ही चीज़ था, लेकिन उसके कई रूप हो गए थे या कई चीज़ें समझ में आ रही थी कि ये है कि ये है। लेकिन यहाँ पर जो आपका है, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु को यानी कि एक वस्तु को देखने के बाद उसके यथार्थ यानी कि उसके सत्य स्थिति यथार्थ स्थिति यानी कि सत्य की स्थिति के विषय में भ्रम हो जाए यहाँ पर, तो वहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाढ़ी का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक ही चीज़ है, इसमें जो है पिंजरे में जो तोता बंद है वो जो नायिका है उसके नाक का जो मोती है यानी कि जो उसने नायिका ने नाक में जो आभूषण पहना हुआ है वो नग टाइप है, तो नग टाइप होने की वजह से जो उसके ओठ हैं नायिका के वो रेड कलर के हैं, तो उसकी अधरों की यानी कि होठों की आभा जब नाक के उस मोती पे पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अनार का दाना हो गया हो या अनार को दाना हो, तो इसलिए तोता जो पिंजरे में बंद है उसको अनार का दाना दिया गया है खाने के लिए कि तुम अनार खाओ, तो लेकिन वो जब देख रहा है नायिका की वो चीज़ यानी कि अधरों होठों का जो आभा है या जो चमक है उनके नाक के आभूषण पे पड़ रही है तो वो भी अनार के दाने जैसे लाल दिखाई दे रहा है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति में आ गया है कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो पिंजरे में बंद हूँ, वो दूसरा सुख कौन है, यानी कि वो वाला जो दूसरा सुख दिखाई तोता दिखाई दे रहा है वो कौन है, तो इसलिए यहाँ पर भ्रम की स्थिति आ गई है, इसलिए यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार है। नेक्स्ट देखते हैं, अधरों पर अली मड़राते, केशों पर मुग्ध पपीहा, यानी कि अधरों पर अली मड़राते, यहाँ पर अब बिल्कुल भ्रम की स्थिति है। देखिए, अधरों पर अली मड़राते, अली का मतलब होता है भौंरा, यानी कि अधरों पर अली मड़राते,
यानी कि भौरा, हम देखते हैं कि भौरा जो है फूलों पे मंडराते हैं, फूल जो कलियों पे मंडराते हैं या फूलों पे मंडराते हैं, किंतु यहाँ पे कहाँ मंडरा रहे हैं? अधरों पर, यानी कि होठों पे, होठों पे जो है वो भौरा मंडरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भ्रम की स्थिति में आ गए हैं कि ये होठ है या फूल है, तो इसलिए अधरों पर यानी कि होठों पर मंडराने लग रहे हैं फूल समझकर। दूसरी चीज़ है कि केशों पर मुग्ध पपीहा, और जो बाल है, बाल वो जामुन या फल की भांति काली चीज़ से उसकी की कर दी गई है कि केशों पर मुग्ध पपीहा, और जो पपीहा है वो केशों पर यानी कि बालों पर मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि ये जामुन है, तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है, भ्रम की कंडीशन आ गई है। अधरों पर अली मंडराती, यानी कि होठों पर जो है वो भौरे मंडरा रहे हैं, तथा जो बालों पर है वो पपीहा मुग्ध हो गया है, जैसे कि मंत्र मुग्ध हो गया है या अपने को निशावर समझ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका भ्रांतिमान अलंकार है, यानी कि भ्रम की वजह से वो अपना स्थान परिवर्तित कर गए हैं। जो भौरा है उसको फूलों पर होना चाहिए तो वो अधरों पर मंडरा रहा है, और जो पपीहा है उसको मतलब कि केशों पर मुग्ध हो गया है, वो समझ रहा है कि जामुन है, तो वो अपने जो है बालों पर मंडराने लग रहा है। तो यहाँ भ्रम की कंडीशन है, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। तीसरा है मुन्ना तब मम्मी के सिर पर, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सांपिन लोटी। यहाँ पर देखिए कवि ने कहा है कि मुन्ना यानी कि छोटा बच्चा तब मम्मी के सर पर देख दो चोटी, यानी कि मम्मी के सिर पर जब दो चोटी देखता है तो भाग उठा भय मानकर, यानी कि भय से भाग उठा सर पर सांपिन लोटी। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि सिर पर जो है वो सांप लेट रहे हैं, या सांपिन यानी कि दो सांप वो लूट रही हो, या उस पे दो सिर पर दो सांप पड़ी हो, सांपिन सांप पड़ी हो। तो ये छोटा बच्चा है, तो छोटा मुन्ना यानी कि छोटा बच्चा है, वो भ्रम की कंडीशन में आ गया है कि मम्मी के सिर पर जो है कि सांपिन लूट रही हैं, इस तरीके से भय से, यहाँ पर भय मानकर यानी कि डर की वजह से वो सांपिन समझकर यानी कि दो सांप समझ करके भाग भाग गया है। इसलिए यहाँ पर आपका क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। और लास्ट है आपका पाई महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ो मीजत जाए। देखिए बहुत ही अच्छी कवि की कल्पना है, किस तरीके से इसने भ्रम की कंडीशन का बताए हैं कि पाई महावर देन को नाइन बैठी आए, यानी कि जो पैर रंगने वाली हैं, जो नाइन जिसको बोलते हैं, तो वो पाई महावर देन को यानी कि पाँव में रंगने के लिए, या रंग से पाँव को, एड़ी को रंगने के लिए वो आ करके बैठी हैं। और फिर जानी महावरी, लेकिन वो क्या है, भ्रम की कंडीशन में आ गई है कि फिर जानी महावरी, उनको लग रहा है कि पैर जो है वो रंग दिया गया है, एड़ो मीजत जाए, और वो लौट जा रही है। यानी कि नायिका का पैर इतना रेड कलर का है, लाल कलर का है, कि उसको नाउन को जो है भ्रम हो गया है कि ये क्या है, ये महावर से रंग दिया गया है, लाल लग रहा है कि रंग दिया गया है, और वो काफ़ी अपने आप को वो भ्रम की कंडीशन में है कि क्या करूं, रंगूं कि नहीं रंगूं, तो लग रहा है कि रंग दिया गया है। यानी कि ये आपका भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि यथार्थ स्थिति के, सत्य की स्थिति के विषय में भ्रम हो जाता है, या जैसे यूँ कहूँ कि अंधेरे में जो है सांप को रस्सी समझ लेना, अंधेरे में जो है सांप को रस्सी समझ, जैसा कि वो क्या किए थे तुलसीदास किए थे, अपने जब ससुराल पहुँचे थे तो वहाँ पे वो क्या किए थे कि उस सांप को, सांप जो चढ़ रहा था उस बिल्डिंग पे या छत के ऊपर, उसको समझे कि रस्सी लटक रही है, और उसको पकड़ करके वो ऊपर चढ़ गए।
तो इसीलिए ये भ्रम की कंडीशन होती है। तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है, यानी कि किसी भी वस्तु, इसमें क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम हो जाता है एक वस्तु की यथार्थता का या सत्य विषय का ज्ञान भ्रम हो जाता है कि ये क्या है। तो ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है दोस्तों। अब तो ये मतलब कि अलंकार ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा वो आरोह से रिलेटेड होगा, यानी कि आपका 5 टॉपिक जो भी पर्यायवाची वगैरह अनेकार्थी शब्द वगैरह हैं, विशेषण विशेष्य, तो वो सब होगा। तो दोस्तों इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, और यदि नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आप मैंने बता ही दिया है कि वही होगा आरओ स्पेशल। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय।